सास ने कराया अपने ही दामाद का कत्लेआम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मथुरा के थाना छाता क्षेत्र की, जहाँ 23 दिसंबर को एक व्यक्ति की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गुप्तांगों को काट कर हत्या कर दी गई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक की सास और युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी के बीच उसका विवाद चलता रहता था, जिसे लेकर मृतक की सास ने हत्या का षड्यंत्र रचा, जिसे लेकर षड्यंत्र के तहत दामाद की हत्या कर डाली, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी पैसा लेकर लोगों की हत्या किया करते थे। 50,000 में यह डील हुई थी, जिनको 31,000 नगद रुपए समेत गिरफ्तार किया गया। ये छाता टीम और सर्विलांस टीम के द्वारा एक अज्ञात डेड बॉडी, जो कि 23 दिसंबर को छाता क्षेत्र के अंतर्गत सुगर मिल के पास में मिली थी, जिसका गला भी कटा हुआ था और जो प्राइवेट पार्ट्स वो भी कटे हुए थे, उसी के संबंध में अपराध पंजीकृत करवाया गया था छाता थाना के अंदर। और उसके बाद 6 तारीख को ही, यानी 6 जनवरी को अज्ञात डेड बॉडी की शिनाख्त हुई, जो कि अमित गौतम पुत्र श्री ओम प्रकाश गौतम के रूप में उसकी शिनाख्त की गई। और ये भी पता चला कि वो हाईवे थाना क्षेत्र के अंदर जो ATV कटे उसके पीछे अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। पत्नी का नाम रश्मि था और इसी के संबंध में उसी की पत्नी रश्मि द्वारा 30/12/2019 को ही थाना हाईवे क्षेत्र में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी। पूरे घटनाक्रम की जब जांच पड़ताल की गई, इन्वेस्टिगेट किया गया, तो पुलिस को ये जानकारी प्राप्त हुई कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो मृतक अमित है उसी की सास का हाथ है, जिसमें उसने अपने साथी जीतू के साथ मिलकर एक पूरा प्लानिंग की गई और एक षड्यंत्र के तहत एक वेल प्लान वे में इसकी हत्या करके शव को छाता थाना क्षेत्र के अंदर फेंक दिया गया। इसमें जो बात सामने ये आई है कि रश्मि और अमित के बीच में काफ़ी गृह क्लेश भी रहा करता था, साथ ही साथ अमित का बाहर दूसरे महिलाओं के साथ